द ट्रेजर में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि रावण को मारने के बाद राम को बहुत पश्चाताप हुआ था। क्यों? इसका वजह क्या था? रामायण में एक सुंदर घटना घटी। इससे पहले रावण राम के जीवन में बहुत सी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं घटित हो चुकी थी। उन्हें अपने राज्य से बाहर निकाल दिया गया था, उन्हें जंगल जाना पड़ा और एक मुश्किल जीवन जीना पड़ा। फिर उनकी पत्नी का रावण ने हरण कर लिया। प्रेम और चिंता से भरे राम दक्षिण भारत पहुंचे, एक सेना तैयार की और श्रीलंका पहुंचकर युद्ध लड़े। रावण को मारकर उन्होंने युद्ध जीत लिया। जैसा कि आप जानते हैं कि रावण के 10 सर थे। रावण को मारने के लिए राम को सभी 10 सिर काटने पड़े। युद्ध जीतने के बाद राम बोले कि मैं हिमालय जाकर प्रायश्चित करना चाहता हूं, क्योंकि मैंने गलत काम किया है। मैंने एक ऐसे मनुष्य को मार दिया है जो महान शिव भक्त था, एक विद्वान था, एक महान राजा था और दानवीर था। यह सब सुनकर लक्ष्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ। लक्ष्मण बोले, आप क्या बात कर रहे हैं, उसने आपकी पत्नी का हरण किया था। राम बोले, उसके 10 सिरों में एक सिर ऐसा था जिसमें बहुत ज्ञान, पवित्रता और भक्ति थी। उस सर को काटने का पश्चाताप है मुझे। हर किसी के 10 या ज्यादा सिर होते हैं। एक दिन आपका सिर लालच से भरा होता है, दूसरे दिन ईर्ष्या से, फिर किसी दिन नफरत से, कभी प्रेम, कामनाएं, सुंदर या फिर कुरूपता से। आप देखिएगा, हर आदमी पे होता है। कभी कभी हम पूरा दिन गुजार देते हैं किसी से ईर्ष्या करते हैं, कभी कभी हम बहुत गुस्से में होते हैं, किसी खास व्यक्ति के ऊपर हम गुस्सा करते हैं, या फिर एक दिन में आप सभी भावनाओं से गुजरते हैं, ऐसा भी होता है। अगर आप किसी को ईर्ष्या के एक पल में देखते हैं तो आप निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि वो ईर्ष्यालु है। अगर आप किसी को लालच के एक पल में देखते हैं तो आप निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि वो लालची व्यक्ति है। पर असल में अलग अलग समय पर सभी में अलग अलग सिर काम करते हैं। सभी में कम से कम एक सिर प्रेम, सुंदरता, उदारता और करुणा का होता ही होता है। जो गलती लोग करते हैं वो ये है कि एक गुण या अवगुण को पहचान करने की जगह उस व्यक्ति की बुराई करते हैं। कभी किसी व्यक्ति की बुराई नहीं करनी चाहिए। बुरा अवगुण है, व्यक्ति नहीं है। राम कहना चाहते थे कि इसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि रावण ने कितने बुरे काम किए हैं। उसमें एक आयाम ऐसा था जो कि एक जबरदस्त संभावना से भरा हुआ था। इस साधारण से नियम का पालन करें, जब भी आपको किसी में कुछ गलत दिखे तो आप उस अवगुण की बुराई करें, न कि उस व्यक्ति की। अगर आप अपने जीवन में इस विवेक को शामिल कर लेते हैं तो आप अपने बोझों से मुक्त पा लेंगे। जब आप दूसरे के साथ ऐसा करेंगे तो आपके साथ भी ऐसा ही होगा। इसने एक बार कहा था कि प्रेम एक ऐसे पुरुष और स्त्री के बीच में होता है जो एक दूसरे को नहीं जानते हैं। ये तभी सही है जब आप एक सारहीन और आलोचनात्मक या फिर नासमझी भरा जीवन जीते हैं। वरना आप जितने किसी को जानते हैं उतने ही अधिक प्रेम और करुणा आप में जागना चाहिए। जब आप उसे उनके संघर्ष जान लेते हैं या संघर्ष जान जाते हैं तो आप समझ जाते हैं कि ये भी आपकी ही तरह एक मनुष्य है। राम ने ऐसे मनुष्य को मारने का प्रायश्चित किया जिसने उसकी पत्नी का हरण किया और कई सारे बुरे काम किए थे। फिर भी राम ने रावण के सिर को पहचाना जो कि सुंदर था। राम एक जबरदस्त बोध वाले मनुष्य हैं और इसलिए उनकी पूजा की जाती है कहीं कहीं रावण की। राम भी एक जबरदस्त बोध वाले मनुष्य हैं, इसलिए उनकी पूजा की जाती है। वे अपने जीवन में कई सारे चीजों में विफल हुए, पर उनकी विफलता ने कभी उनका बोध और गुणों को नहीं बदला है। मैं राम की बात कर रहा हूं। जीवन ने उनके साथ जो चाहे जो किया, वे हमेशा उससे ऊपर रहे। हमें राम से सीखने की जरूरत है। मैं चाहता हूं कि आप राम के उदाहरण पूरे साल याद रखें। अगर आपने व्यक्ति की बुराई करने की बजाय गुणों को पहचानने की समझ है तो गुरु पूर्णिमा और दक्षिणायन आने से पहले आप एक अच्छी फसल काट लेंगे। गुलाब के पौधे में गुलाब से ज्यादा कांटे होते हैं, पर फिर भी हम उस गुलाब का पौधा कहते हैं, कांटे का पौधा नहीं कहते हैं, क्योंकि हम सुंदरता को देखते हैं। आम के पेड़ में आम से ज्यादा पत्ते होते हैं, पर फिर भी हम उसे आम का पेड़ ही कहते हैं, क्योंकि हमें फल की मिठास को देखते हैं। हर मनुष्य में मिठास की कम से कम एक बूंद तो होती ही है।
हम उसे क्यों नहीं देखते हैं। तो हर किसी के साथ ऐसा ही करें आप। ऐसे लोग जिन्हें आप भयानक मानते हैं उनमें भी मिठास की एक बूंद को पहचानने का प्रयास करें। जब आप उसकी मिठास को पहचान लेंगे तभी आप में मिठास झलकेगी। इसका यह मतलब नहीं कि आप अपनी आंखें मूंद लें। आप पेड़ में पत्ते देखते हैं, आप पेड़ में कांटे देखते हैं, पर आप फूलों और फलों का होना स्वीकारते हैं ना। बस इतना ही करने की जरूरत है और आप इसे करके देखिए। तो राम ने इसीलिए प्रायश्चित किया था रावण को मारने के बाद। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।